हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त वीके फिर आया हूं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आज हम आने वाले कल की एक छोटी सी झलक की वीडियो लाए हैं फ्रेंड्स कि आने वाले भविष्य में ईवी का दौर इस तरीके से बढ़ रहा है तो दोस्तों उसका क्या बेनिफिट होने वाला है और अगर आप इलेक्ट्रिक कार प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने घर में ले आए तो उससे आपका बेनिफिट होगा या फिर आपका नुकसान तो इसी बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं आपके सामने लाया हूँ ओला S1 वन एयर जो कि हमें अभी डिलीवर हुई है एक ही हफ्ते में और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा आपको टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार तो फ्रेंड्स दोनों ही हमारे पास हैं और उन दोनों ने हमारी कितनी सेविंग कराई है और तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी है और उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं इन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं तो फ्रेंड्स उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से बात करूंगा ओला एस वन एयर के प्राइस को लेकर और वो मुझे अब तक कितनी सेविंग दे चुकी है उसके बारे में तो फ्रेंड्स ओला एस वन एयर का जो टोटल प्राइस मुझे पड़ा है दोस्तों वो एक लाख बीस हजार रुपए की पड़ी है एंड फ्रेंड्स अगर हम कोई नई बाइक या फिर कोई भी Another पेट्रोल स्कूटर खरीदे तो वो भी आजकल दोस्तों एक लाख के आसपास की ही पड़ रही है बट इससे पहले मेरे पास अपाचे आर टी आर वन एट्टी बाइक थी फ्रेंड्स जो कि सिर्फ तीस का माइलेज देती थी तो उसमें मेरा जो पेट्रोल का खर्चा बैठता था दोस्तों वो अट्ठारह सौ से दो हजार रुपए का पेट्रोल का खर्चा बैठता था फ्रेंड्स पूरे मंथ का और जो मेरी ई एम आई बंधी है ओला एस वन एयर में वो तीन साल की ई एम आई दोस्तों मैंने बंधवाई है वो मेरे को पड़ी है सत्ताईस सौ चालीस रुपये की तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो मुझे सात सौ चालीस रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा देकर और तीन साल बाद मेरी गाड़ी बिल्कुल लगभग फ्री हो जाएगी क्योंकि सौ किलोमीटर ये एक रे एक बार में चार्ज कर कर चलती है और 100 किलोमीटर चार्जिंग पे इसमें जो खर्चा आता है फ्रेंड्स वो सिर्फ 15 से 20 रुपए का आता है तो उस हिसाब से ये बिल्कुल फ्री जैसी ही हो जाएगी फ्रेंड्स क्योंकि इसमें सर्विसिंग का कोई भी खर्चा नहीं है बट अपाचे में आपको हर पांच से छह महीने में अच्छी खासी सर्विसिंग में कॉस्ट लग जाती है फ्रेंड्स तो अगर हम इसे फ्यूचर के लिए देखें फ्रेंड्स तो ये बहुत ही रही है एंड इसके साथ साथ अगर मैं आपको टाटा के बारे में बताऊं तो जब से हमने हमने ये गाड़ी ली है कम कम से कम 50 सत्तर हजार रुपए का तेल का खर्चा बचा लिया है जो कि बहुत ज्यादा है एंड गाड़ी बहुत ही गजब है चलने में बहुत बढ़िया है ओला एस भी चलने में परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही गाड़ी दोस्तों बेस्ट हैं तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल या फिर डीजल कार को बेचकर एक नई ईवी कार लेना या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स लीजिए क्योंकि आपका भविष्य से हो रहा है फ्रेंट्स। और फ्रेंट्स इसके साथ साथ बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड इससे सस्ती कार भी आ रही है फ्रेंड्स जो कि आपको बजट में एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लस एक कार मिल जाएगी जो कि आपको कुछ साल बाद फ्री की पड़ने वाली है दोस्तों और इसके साथ साथ हम अगर ई की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखेंगे फ्रेंड्स तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स और अगर आप ओला एस वन एयर का पूरा परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं या फिर टाटा टी का पूरा परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों गाड़ियों का ओवरव्यू का लिंक डाल दूंगा फ्रेंड्स मैंने दोनों गाड़ियों के ओवरव्यू का लिंक बना रखा है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा था तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद